पाकिस्तान में बढ़ते यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों से सरकार बेहद चिंतित हो उठी है, क्योंकि दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर इमरान सरकार को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर सरकार ने देश के हर जिले में दुष्कर्म विरोधी क्राइसिस सेल को बनाने का ऐलान किया है। इस सेल का मकसद यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों में तुरंत FIR, मेडिकल टेस्ट, फोरेंसिक विश्लेषण और बाकी संबंधित मुद्दों का तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर पीड़ित का मदद करना होगा। पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने इन सेल की स्थापना की निगरानी के लिए 42 सदस्यीय दुष्कर्म विरोधी ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंटेशन समिति गठित करने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस समिति का नेतृत्व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की सांसद मलाइका बुखारी करेंगी। इसमें पाकिस्तान के मानवाधिकार, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय डेटाबेस पंजीकरण प्राधिकरण यानी NDRA और प्रांतीय फॉरेंसिक एजेंसियों को भी इस समिति का हिस्सा बनाया गया है। वहीं जिला स्तर पर इस सेल का नेतृत्व स्थानीय उपायुक्त करेंगे। बता दें, पाकिस्तान ने पिछले साल दुष्कर्म विरोधी अध्यादेश 2020 और आपराधिक कानून अध्यादेश पेश किया था। दरअसल सितंबर 2020 में दो बच्चों की एक मां के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सरकार पर कानून के लिए दबाव बढ़ने लगा और सरकार ने इन कानूनों को पेश किया। इस कानून के अलावा सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए बाकी उपाय भी किए। आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब कुछ हफ्ते पहले ही लाहौर दुष्कर्म मामले में दो लोगों को दोषी पाया गया है। इन लोगों को उम्र कैद के साथ मौत की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान में सरकार को हमेशा ही दुष्कर्म के मामलों के चलते अपनी आलोचना झेलनी पड़ती है। इसी वजह से सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। हाल के दिनों में यहाँ छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हुआ है। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।